समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की तहसील घनसौर के ग्राम पंचायत सालेपानी से सरपंच टेकराम पड़ती ने हमारे संवाददाता संदीप जसवाल जी को ग्राम की समस्या से अवगत कराते हुए बताया कि ग्राम सालेपानी से दादरा टोला जहां पर 300 की आबादी के ऊपर का जनमानस निवासरत है, उन्होंने खेद जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने सांसद विधायक से अनेकों बार ग्राम में प्रधानमंत्री योजना द्वारा सड़क बनाने की मांग की, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे दुखी होकर वे जनता समाचार को अपने ग्राम के विकास हेतु सालेपानी से दादरी मोहल्ला तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बनाने की मांग की, जिससे शासन प्रशासन के प्रति ग्राम की जनता का माहौल अनुकूल बन सके, नहीं तो लोग मतदान के बहिष्कार के लिए भी तैयार हैं। नाम टेकराम पड़ते हैं, ग्राम पंचायत सालेपानी का वर्तमान सरपंच हूँ मैं। मेरा कहना यही है कि मतलब आज़ादी के बाद से अभी तक मेरे गांव में ददरी गांव में जाने के लिए कोई ऐसी रोड नहीं बनी, प्रधानमंत्री में अभी जुड़ी नहीं है। और मेरे प्रयास तो बहुत हुए, मैं सांसद के पास गया, विधायक के पास गया और कलेक्टर के पास बहुत से ऐसी योजनाएँ पास गया, लेकिन कोई जानकारी मतलब कोई जानकारी नहीं बताया ना, कोई ऐसी कुछ योजना से जोड़े नहीं आपकी ग्राम की सड़क को। बिल्कुल कोई योजना से कोई जुड़े नहीं। कितने की आबादी है आपके यहाँ? समथिंग 300 से ऊपर का जनसंख्या। कौन सा टोला है आपका? सालेपानी का एक ददरी टोला है। ददरी टोला वहाँ पर है आप लोगों का निवास है? जी जी जी, वही तो मैंने अभी यहाँ का निरीक्षण किया सरपंच साहब, तो यहाँ बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय है यार। और कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? हम लगभग जब से संभले हैं, पहले के अशिक्षित थे, हम पढ़े लिखे और कुछ जागरूक हुए, कुछ बाहर की जानकारी लिए, बहुत प्रयास किए, एक बावजूद सरकार हमारी कोई व्यवस्था नहीं करी और हम अभी तक बहुत परेशान हैं। तो हम जय आने वाले चुनाव में क्या प्रतिक्रिया है आपके ग्राम की आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा में हमारे यहाँ के जो जनता जनार्दन यही कह रहे हैं कि मतलब अगर कोई रोड नहीं बनाई गई, नहीं बन रही है, तो हम वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे वोट बहिष्कार करेंगे। नहीं यार, वोट रोड बनना चाहिए। नहीं, इस संबंध में आप जिले के अधिकारियों से बात करिए, प्रधानमंत्री सड़क को लेटर लिखिए, प्रधानमंत्री सड़क विभाग को लेटर लिखते हुए और सांसद महोदय के यहाँ गए, कलेक्टर महोदय के यहाँ गए, विधायक के पास गए, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, हम बहुत परेशान। ये थी आज की खबरें। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।